तो आज हम आपको तीन ऐसे किचन टिप्स बताने वाले हैं जिसे अपना के आप अपने खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो पहला है पूरियां। पूरियां बनाते समय आप अगर उसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे तो आपकी पूरियां खस्ता बनेगी और फूली फूली बनेगी। दूसरा है खसखस। खसखस हम सब्जी में डालते हैं लेकिन उसको डालने का तरीका अलग है। जब हम खसखस को डालें तो उसे थोड़ा पानी में फुला लें, उसके बाद उसे मिक्सी में पीसकर सब्जी में डालें। ऐसा करने से आपकी सब्जी और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। तीसरा है रोटियों को नरम बनाना। तो रोटियों को नरम बनाने के लिए आप रोटी का आटा लगाते समय उसमें 2 चम्मच दूध डालें और उसके बाद आटा लगाएं। ऐसा करने से आपकी रोटियां सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। तो ऐसे ही नई नई किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही नई नई किचन टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।